सब्सक्राइब कीजिए वशिष्ठ ग्रुप को और बेल आइकन पे प्रेस कीजिए टू गेट डेली न्यू अपडेट्स। हेलो एवरीवन, वेलकम टू वशिष्ठ ग्रुप। तो आज हम अपने हमारा थंबनेल देख ही लिया होगा, तो आज हम क्या पता लगाएंगे कि आप किसी भी डोमेन नेम के मालिक का नाम जान सकते हो, वेबसाइट उसने वेबसाइट का डोमेन नेम कब लिया, उस डोमेन की एक्सपायरी डेट कब है। आप किसी वेबसाइट यूट्यूब जीमेल गूगल के मालिक का नाम पता लगा सकते हो, और ये वेबसाइट किन कंपनी द्वारा बनाई गई। तो चलिए इसे वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं और लाइव करते हैं। तो सबसे पहले आपको एक वेबसाइट ओपन करनी है, whois.net, ठीक है, ये वेबसाइट ओपन करनी है। तो वेबसाइट बेसिकली क्या काम करती है, आपको सबके डोमेन नेम के बारे में डिटेल देते हैं कि मेरा डोमेन नेम किसके है, कैसे रजिस्टर हुआ ये डोमेन नेम, और कौन सी स्टेट में रजिस्टर, किस कंट्री में रजिस्ट्रेशन हुआ इसका, ठीक है। तो इसमें हम चेक करते हैं अलग अलग वेबसाइट के बारे में। तो आप इसका डोमेन नेम याद रख लीजिए, whois.net। बाकी मैं अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका डोमेन नेम लिख दूंगा। तो चलिए हम चेक करते हैं। तो मैंने कुछ वेबसाइट्स से लिखी हुई, उसमें उनको चेक करते हैं। पहले हमारी Quora.com, Quora के क्वेश्चन आंसर की वेबसाइट है, ठीक है। तो इसको चेक करते हैं वेबसाइट को। तो मैंने सर्च पे क्लिक किया तो हमारी सर्चिंग स्टार्ट होगी, ठीक है। तो पहले हम इसमें कंफर्म कर सकते हैं आई एम नॉट ए रोबोट, ठीक है। इसमें क्या है, ये गूगल की सिक्योरिटी फीचर है ताकि चेक करने के लिए वेबसाइट पर लोड कम हो उसके, और वेबसाइट ओनली जेन्युइन पर्सन चलाएं। तो इसको हम जल्दी से फिलअप कर देते हैं। तो जैसा कि मैंने वो अपना कैसे फिलअप कर दिया है क्यूरा, उसका डोमेन नेम रोबोट वाला। तो अब चेक करते हैं वेबसाइट पर, Quora.com इज़ ऑलरेडी रजिस्टर्ड। चलो वेबसाइट का डोमेन नेम तो रजिस्टर है, तो उसके बाद हम चेक करते हैं डोमेन नेम, ये हो गया। अच्छा, डोमेन नेम किस कंपनी ने बाय कराया, किसके द्वारा रजिस्टर किया हुआ है। तो csccorporatedomain.inc एक कंपनी है जिसने इस डोमेन नेम को बाय किया है। अच्छा, डोमेन नेम क्रिएट किस दिन बनाया गया था, डोमेन नेम 2000 में बनाया गया था। अच्छा, अपडेट कब किया गया डोमेन नेम, ये अपडेट किया गया डोमेन नेम 2018 में, रिसेंटली अपडेट हुआ इस डोमेन नेम का, ठीक है। अच्छा, ये नेम सर्वर क्या आते हैं, नेम सर्वर क्या आते हैं, जब भी आप डोमेन नेम को किसी भी होस्टिंग में जोड़ते हो, होस्टिंग और डोमेन नेम को आपस में जोड़ते हो, तो आपको नेम सर्वर की जरूरत पड़ती है। तो ये नेम सर्वर के बारे में डिटेल दी गई है। एक्चुअली आपको ये सब Quora.com पे नहीं मिलेगा, ठीक है। आप किसी वेबसाइट को डीपली स्टडी कर सकते हो इस वेबसाइट पे whois.net, ठीक है। तो इस वेबसाइट में देख सकते हो कि आप किस किस के नाम पे रजिस्टर है, ये किसका है, कि रजिस्टर अभी कॉन्टैक्ट नंबर, ठीक है, इसके डोमेन नेम क्या है। बस आप दूसरी वेबसाइट चेक करते हैं, IIT की वेबसाइट चेक करते हैं। तो IIT का डोमेन नेम है मेरे पास, इसको कॉपी कर लेता हूँ। IIT बॉम्बे का डोमेन नेम है, कॉपी किया, इसको चेक करता हूँ मैं। फिर से एक बार रोबोट वाला कर देता हूँ मैं। तो हमारा इसका डोमेन नेम ऑलरेडी रजिस्टर्ड है iitbombay.ac.in का। तो चेक करते हैं वेबसाइट है। सबसे पहले देखिए रजिस्टेंट ऑर्गेनाइजेशन कौन सा, इंस्टीट्यूट है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे, ठीक है। कंट्री इंडिया है, ये नेम सर्वर है, नेम सर्वर ज़रूरी होते हैं किसी डोमेन को होस्टिंग से जोड़ने के लिए, ठीक है। अच्छा, ये वेबसाइट कब बनाई गई, 2004 में वेबसाइट बनाई गई। अपडेट कब किया गया, इस वेबसाइट को 2017 में अपडेट किया गया। रजिस्ट्रार URL मतलब किस कंपनी ने इस वेबसाइट को रजिस्टर किया है, तो आप देख सकते हो www.er.net.in। तो इससे क्या है, इस वेबसाइट से आपको काफ़ी कुछ पता चलता है किसी डोमेन नेम के बारे में, किसी वेबसाइट के बारे में, कि इसका ओनर कौन है, कब इसको एक्सपायरिंग हो रही है वेबसाइट, काफ़ी कुछ पता लगा सकते हो, ठीक है। अगर हमारी आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो आप हमारे चैनल वशिष्ठ ग्रुप को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। ये हमारा चैनल वशिष्ठ ग्रुप को सब्सक्राइब कीजिए, और रिसेंटली हमने एक अपना ब्लॉग भी लिखना स्टार्ट किया है, techwashishthgroup.blogspot.com, जिसमें हम कंप्लीट हिंदी में आपको आर्टिकल लिखेंगे, देख सकते हो आप वेब डेवलपर बनने के लिए, ठीक है। थैंक यू।